एक बेहतर परिवेश में ही बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। प्रदेश में कोविड के कारण विद्यालय लगभग 1.5 साल बाद खुले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का नियमित रूप से आकलन अति आवश्यक है, ताकि अकादमिक पाठ्यक्रम में सुधार और विद्यार्थियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जा सके। इसी क्रम में जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के सबसे बड़े अंतरविभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए निपुण भारत एवं NEP से मार्गदर्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार जनपद गोरखपुर में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन की शुरुआत की गई है। ये आकलन सरल मोबाइल एप्लीकेशन से किया गया था, जिसके द्वारा शिक्षक भरे हुए OMR शीट को कुछ ही पल में स्कैन कर सकते हैं। स्कैन किए गए डेटा को लर्निंग आउटकम डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जाता है। समय के साथ ये विद्यार्थियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने में सहायता करता है और विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड आसानी से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल से शिक्षकों के आकलन से जुड़े हुए समय और प्रयास की बचत होती है। आने वाले महीनों में गोरखपुर में डाइट गोरखपुर मासिक तौर पर सरल ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्रों की तैयारी और आकलन का संचालन करेंगे। आकलन से संबंधित डेटा संग्रह और संचालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही डेटा का सही उपयोग एवं इनसाइट जनरेशन महत्वपूर्ण है। इस क्रम में गोरखपुर में शुरू हो रहा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर बेसिक शिक्षा से संबंधित पहला कमांड और कंट्रोल सेंटर है, जिसके जरिए न केवल अकादमिक पहल जैसे कि मासिक आकलन, बल्कि प्रशासनिक पहल जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, निरीक्षण, मध्याह्न भोजन, शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्र ड्रॉपआउट आदि पर भी रियल टाइम में सख्त नजर रखी जाएगी। ये डैशबोर्ड जैसे GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस मैप्स, विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप्स, लर्निंग आउटकम मैप्स आदि डेटा समर्थित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में शामिल टीम गैप एनालिसिस से आंतरिक रूप से योजनाओं को बनाने में सक्षम होगी। रियल टाइम डैशबोर्ड स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक डेटा प्रदर्शित करेगा, जिससे कॉल सेंटर टीम अकादमिक और प्रशासनिक पहल के अनुपालन को बढ़ाने के लिए फील्ड कॉल करेगी। समृद्ध मैनुअल शिक्षकों को उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया गया है, जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षकों का समर्थन करता है। अब गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से आकलन, डेटा और लर्निंग आउटकम पर आधारित निर्णय लेने का उपयोग सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को एक साथ जोड़ने में सहायता करेगा। प्रदेश सरकार राज्य के हर विद्यार्थी को एक निपुण विद्यार्थी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बच्चों के चेहरों की ये मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत और ईमानदार हों, तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं।